हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, हमारे चैनल पे हर एग्जाम से रिलेटेड मैथ्स के क्वेश्चन आपको बड़ी ही इजी वे में ट्रिक से सॉल्व करना सिखाया जाता है। आज का हमारा क्वेश्चन है कि सभी एक अंकों तथा दो अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है, एक अंकों और दो अंकों वाली। तो यहां से हम ये एसएससी सीएचएसएल 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो एक अंकों वाली का मतलब कि 1 2 3 ऐसे डॉट 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 कहां तक जाएगा, ये 9 तक जाएगा, और यहां से दो अंकों वाली जो होगा 10 11 12 ऐसे डॉट 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 कहां तक जाएगा, 99 तक जाएगा। ठीक है, तो एक अंकों वाली और ये दो अंकों वाली हो गया, यानी 1 से लेकर के 99 तक जाएगा। अब कब ये फार्मूला हम लगाएंगे, जब सर्वांतर क्या हो, सर्वांतर बराबर हो। कहने का मतलब कि ये सब में 1, यानी 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, यानी कि एक एक यहां पे बढ़ रहा है, और इधर से जब आएंगे तो एक एक क्या होगा, घटेगा, यानी अंतर जो है एक एक मिलेगा। यानी सर्वांतर क्या है, अंतर क्या है, बराबर है, तो इसी को कहते हैं कि सर्वांतर बराबर हो। तो अब औसत बराबर हो जाता है, जब सर्वांतर बराबर है तो औसत बराबर फार्मूला होता है प्रथम पद प्लस अंतिम पद अपान के 2 होता है। अब यहां से जो है प्रथम पद हमारा कितना है, 1 है, अंतिम पद 99 है, अपान के 2 ऐड करेंगे, 100 अपान के 2 कैंसिल करेंगे, 50 हमारा जो है आंसर हो जाएगा। तो यहां से ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। सो गाइस, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और गाइस अगर चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। हम मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन होते हैं, हर टाइप के क्वेश्चन हम आपके लिए लाते रहेंगे। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।